पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सोमवार को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएमएलएन के प्रवक्ता तारिक अजीम ने भी नवाज शरीफ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की पुष्टि की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के शपथ ग्रहण समारोह में आने के निर्णय का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है। भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने इस कदम को बड़ी उपलब्धि बताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को निमंत्रण दिए जाने के फैसले को जेडीयू ने इसे जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताया। हालांकि पार्टी ने इसके साथ इस कदम को सही भी ठहराया। कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि नवाज शरीफ के भारत आने पर सरकार 26/11 जैसे मुद्दों पर चर्चा करेगी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पाकिस्तान में 26/11 हमले पर धीमी गति से हो रही कार्रवाई पर भाजपा सरकार से सवाल उठाए जाने की उम्मीद है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भारत आने की खबर से दोनों देशों के रिश्तों में सकारात्मक असर पड़ने के आसार। सामरिक मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन ने कहा कि इस बार का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भारत दौरा कितना सार्थक होगा यह आने वाला समय ही बताएगा। भाजपा नेता जगदम्बिका पाल ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भारत आने पर दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि जो काम यूपीए नहीं कर पाई वह एनडीए की सरकार कर रही है। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि शरीफ का भारत आना केवल निमंत्रण तक ही सीमित रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ गंभीर वार्ता तब तक नहीं हो सकती जब तक वो अपनी जमीन से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना बंद नहीं करता। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। पार्टी की वरिष्ठ नेता और संस्थापक सदस्य शाजिया इल्मी ने आज पार्टी छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी को इसका कारण बताया। टीआर जिलियांग ने आज नागालैंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल अश्विनी कुमार ने जिलियांग और नई मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सीरिया में पहली बार प्रचार कार्यक्रम में लगे लोगों पर विद्रोहियों ने हमला किया। सीरिया के दक्षिणी शहर दारा में एक टेंट में मौजूद राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों पर विद्रोहियों ने मोर्टार से हमला किया। इस हमले में 39 लोग मारे गए जबकि 205 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिता चैंपियंस लीग का खिताबी मुकाबला आज देर रात स्पेन के दो क्लब्स एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड के बीच राजधानी लिस्बन में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के इतिहास में यह पहला मौका है जब एक ही शहर के दो क्लब फाइनल में आमने सामने होंगे।